क्या महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? शरद पवार का वो बयान जिसमें महाविकास अघाड़ी रहेगी नहीं रहेगी तो आने वाले समय में पता लगेगा। दूसरी चीज, जो नाटकीय घटनाक्रम एनसीपी में देखने को मिला, इस्तीफा देना फिर इस्तीफे को वापस लेना, इसको दो तरीके से देखा गया। ये सिर्फ अजीत पवार के लिए मैसेज नहीं था, महाविकास अघाड़ी के सबसे ताकतवर नेता के रूप में स्वयं का चेहरा फिर से रखने का एक प्रयास भी माना गया। यानी शरद पवार निर्विवाद रूप से इस पूरे महाविकास अघाड़ी को चलाने वाले हैं, इस मैसेज को भी एनसीपी ने रखने का प्रयास किया है। मैसेज अजीत पवार के लिए भी था बड़े तौर पर। ऐसे में जब उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से या संजय राउत की तरफ से, उद्धव की तरफ से कोई बयान आता है और वो बयान शरद पवार पर सवाल खड़े करता है, तो निश्चित तौर पर ये सवाल गहरा जाता है कि क्या उद्धव और शरद पवार में रार है, इसीलिए अब सामना में उन पर वार है। बड़ी खबर ये है कि सामना के संपादकीय में शरद पवार के इस्तीफे को ड्रामा करार दे दिया गया है। ये पहली बार है जब इतने मुखर तौर पर उद्धव गुट की तरफ से कोई ऐसी बात रखी गई है। उद्धव और एनसीपी में रार के तौर पर इसको देखा जा रहा है। ये भी बता दें कि एनसीपी और उद्धव गुट की शिवसेना इस वक्त महाराष्ट्र में गठबंधन में है और जिस तरह से सामना में शरद पवार को लेकर लिखा गया है उससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं उद्धव और एनसीपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इससे एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या एनसीपी और उद्धव अलग होंगे? इन सभी बातों के बारे में इस रिपोर्ट में विस्तार से बात करते हैं। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के इस्तीफा वापस लेने के बाद शिवसेना के मुखपत्र सामना की संपादकीय में कहा गया है कि एनसीपी नेता एक उत्तराधिकारी बनाने में असफल रहे। सामना में लिखा गया है कि पार्टी का आगा पीछा तना सब कुछ महाराष्ट्र में है, इसलिए पवार के सभी सहयोगियों को जो चाहिए वो महाराष्ट्र में ही है। पवार निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े नेता हैं और राष्ट्रीय राजनीति में उनके शब्दों का सम्मान किया जाता है, लेकिन वो एक उत्तराधिकारी बनाने में विफल रहे जो पार्टी को आगे ले जा सके। संपादकीय में ये भी लिखा गया है कि चार दिनों पहले जैसे ही उन्होंने सेवानिवृत्ति की घोषणा की, पार्टी जड़ से हिल गई और हर कोई अब हमारा क्या होगा इस चिंता से कांप गया। कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, पार्टी के प्रमुख नेताओं ने मनाया और लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए पवार ने इस्तीफा वापस ले लिया। इसके आगे भी वही एनसीपी की कमान संभालेंगे। इससे पहले चार पांच दिनों से चल रहे ड्रामे पर पर्दा गिर गया है। शरद पवार का जिक्र करते हुए मुखपत्र में लिखा गया है, शरद पवार ने कहा कि वो अंत तक लड़ेंगे, ये हुआ महाराष्ट्र का, लेकिन लालू यादव, केसी चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी, स्टालिन जैसे नेता भी लड़ने के लिए उतर गए हैं। कार्यकर्ता लड़ते ही रहते हैं, बैग भरकर निकलने वालों पर पार्टी निर्भर नहीं रहती। सभी पार्टियों के डरपोक सरदारों को एक स्वतंत्र पार्टी की स्थापना करनी चाहिए ताकि लोगों को पता चलेगा कि असली मर्द कौन है। सामना में लिखा गया है, नया अध्यक्ष कौन बनेगा ये तय करने के लिए श्री पवार ने एक बड़ी कार्यकारिणी नियुक्त कर दी। उस कार्यकारिणी में कौन, तो भाजपा में जाने की जिन्होंने योजना बनाई थी उसमें से ही ज्यादा लोग थे, लेकिन कार्यकर्ताओं का दबाव और भावनाएं ऐसी तीव्र थी कि उस कार्यकारिणी को पवार का इस्तीफा नामंजूर करके इसके आगे आप और आप ही ऐसा पवार से कहना पड़ा और तीसरे अंक का घंटा बजने से पहले ही पवार के नाट्य का पर्दा गिर गया। पवार की वापसी से उनकी पार्टी में चेतना आ गई और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी पार्टियों के गठबंधन ने भी राहत की सांस ली। आपको बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपने पद से इस्तीफा देकर न केवल महाराष्ट्र बल्कि देश की सियासत में खलबली मचा दी थी, लेकिन पवार के अचानक फैसले ने कार्यकर्ताओं को ऐसा झटका दिया कि दो दिनों में कार्यकर्ताओं के दबाव में शरद पवार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। वहीं एनसीपी में हुए घटनाक्रम को शिवसेना ने तो अपने मुखपत्र सामना में ड्रामा बताया, बीजेपी ने इसे नौटंकी करार दिया। शरद पवार ने अपने इस्तीफे को वापस लेने का ऐलान किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीपी के कई बड़े नेता उपस्थित थे, लेकिन अजीत पवार की अनुपस्थिति कई सवाल खड़े कर रही है। अजीत पवार समय समय पर नाराजगी की खबरों का खंडन करते रहे हैं, लेकिन राजनीति में कहावत है कि बिना आग के धुआं नहीं निकलता। शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद एनसीपी कार्यकर्ता इस्तीफा वापसी की मांग कर रहे थे। उस वक्त अजीत पवार कार्यकर्ताओं को ऐसा करने से रोकते दिखाई दिए, शरद पवार के फैसले को सही बताते दिखे, लेकिन शरद पवार के इस्तीफा वापसी ऐलान के बाद अजीत पवार की चुप्पी और गैर हाजिरी कई सवाल खड़े कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पवार की चाल ने अजीत पवार को कार्यकर्ताओं के बीच विलेन बना दिया, एक तरफ कर दिया? बहरहाल अब इस पर उद्धव गुट भी बोलता दिखाई दे रहा है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर मैसेज सिर्फ अजीत पवार के लिए नहीं था, उद्धव के लिए भी था। अभी तक उद्धव चेहरे के तौर पर देखे जा रहे हैं महाविकास अघाड़ी के, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, उनको चेहरा बनाने का की पहल जो है वो भी शरद पवार ने की थी, क्योंकि ये महाविकास अघाड़ी जो बना ये कहीं ना कहीं शरद पवार के दिमाग की उपज मानी जाती, संजय राउत का भी इसमें अहम योगदान माना जाता है।
अखबार के संपादक संजय राउत हैं सामना के, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के राज्यसभा सांसद भी हैं। अखबार ने संपादकीय में लिखा, शरद पवार राजनीति के वटवृक्ष की तरह हैं। वो कांग्रेस से अलग हुए थे और अपनी पार्टी बना ली थी। उन्होंने अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया और उसकी ताकत महसूस की गई, लेकिन वो अपने बाद में कोई पार्टी को संभाल सके ऐसा उत्तराधिकारी तैयार करने में असफल रहे हैं। पार्टी की महाराष्ट्र में जड़ें रही हैं। शिवसेना ने लिखा है कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि शरद पवार राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। उनकी बातों का राष्ट्रीय राजनीति में महत्व रहा है। पहला मौका नहीं है जब शिवसेना ने सीधे शरद पवार पर ही सवाल उठाए हैं। इससे पहले शरद पवार की आत्मकथा में उद्धव ठाकरे के सीएम पद से इस्तीफा देने पर सवाल उठाए जाने पर भी शिवसेना ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। संजय राउत ने कहा था कि शरद पवार की किताब में उद्धव ठाकरे के बारे में सही बातें नहीं लिखी गई हैं। हालांकि इस्तीफे के दावों से पार्टी टूटने से बचने की बात करते हुए तारीफ भी की गई। सामना के संपादकीय में लिखा गया, भाजपा ने शिवसेना को तोड़ा और ऐसा ही प्लान एनसीपी को लेकर भी था। कुछ लोग बैग लेकर बोर्डिंग के लिए तैयार थे, लेकिन शरद पवार के मास्टर स्ट्रोक ने सारे प्लान ही फेल कर दिए। वहीं शरद पवार ने जो प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे उद्धव ठाकरे पे, वो भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने शिवसेना में जो फूट हुई उसके लिए उद्धव ठाकरे को एक तरीके से जिम्मेदार ठहराया था। उसका लब्बू लुगाद ये था कि उद्धव ठाकरे इस फूट को रोकने में नाकाम रहे। तो उद्धव पर कोई हमला हुआ था तो उसका बचाव तो करना ही था, लेकिन ऐसा लगता है कि अब उसके प्रत्युत्तर में ये हमला सामना के जरिए शरद पवार पर किया गया है। या इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि क्या उद्धव गुट भी इस बात का एहसास कर रहा है कि शरद पवार के प्लान कुछ और हैं। क्या शरद पवार अपनी पार्टी और महाराष्ट्र में अपनी सियासत को बचाने के लिए आने वाले दिनों में कोई दूसरा या बड़ा कदम उठा सकते हैं जहां पर महाविकास आघाड़ी का कोई अस्तित्व ना रह जाए? ये भी गौर करने वाली बात है कि उद्धव अभी बिल्कुल अलग थलग पड़े दिखाई देते हैं। संजय राउत उद्धव बोल रहे हैं, आदित्य ठाकरे साथ में हैं, लेकिन इसके अलावा क्या? कार्यकर्ता, जनता कितनी साथ में आती है, बाकी नेता कितने जुड़े रहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टी का बड़ा हिस्सा तो एकनाथ शिंदे ले गए, पार्टी का नाम ले गए हैं, चुनाव चिन्ह ले गए हैं, शिवसेना उनकी हो गई है। बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी के तौर पर उद्धव ठाकरे अपने आप को जनता के बीच कितना रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे, कहना मुश्किल है। जो स्थितियां शरद पवार के साथ जाने के बाद बनी थी वो इसलिए थी क्योंकि बीजेपी के साथ चुनाव लड़कर शिवसेना ने अच्छी खासी सीटें हासिल की थी और वहां पर उनके पास में वो संख्या बल था जिसके जरिए सरकार बनाई जा सकती। आज उद्धव ठाकरे की वो स्थिति नहीं है, उनके पास संख्या बल भी नहीं, एकनाथ शिंदे के पास है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं और ऐसे में क्या शरद पवार के बहुत काम के नहीं रहे? शरद पवार कुछ और प्लान बना रहे हैं? उद्धव ठाकरे, संजय राउत, उनके गुट ने ये भांप लिया है और वो फिर पलटवार कर रहे हैं। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं सामना के इस लेख के जरिए एक रार शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में देखने को मिलती है। देखना होगा इसके परिणाम आने वाले दिनों में क्या सामने आते हैं। मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।